सब्सक्राइब कीजिए मुदस्सर रहमान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुदस्सर रहमान और आप देख रहे हैं मुदस्सर रहमान यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह टेक्स्ट में कोई भी इमेज पिक्चर अपनी किस तरह ऐड कर सकते हैं फोटोशॉप को यूज़ करते हुए। तो बहुत ज़बरदस्त ये एक इफ़ेक्ट है, तो आपको मैं आज ये बताऊंगा कि किस तरह करते हैं ये। तो ये ओपन कर लिया मैंने फोटोशॉप और यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। जैसे कि मैं अपना नेम लिख लेता हूँ, यहाँ से इसका कलर कर देते हैं चेंज। तो टेक्स्ट टाइप करने के बाद हम इससे कर लेते हैं बड़ा, ये हो गया। और अब हमें एक पिक्चर चाहिए, टेक्स्ट हमने टाइप कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कि ये एक है, ये है पिक्चर वो वाली। तो यहाँ पर करना क्या है, हमने पिक्चर ऐड कर दी है। यहाँ पर जो पिक्चर ऐड की है, इधर आके और राइट क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट क्लिपिंग मास्क, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, वो जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के अंदर चली जाएगी और आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक आगे पीछे, मतलब जितना आपने मतलब ऐड करना है हिस्सा, वो कर सकते हैं। ये देखें, जैसा आप चाहेंगे वैसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल टी दबाएं और पिक्चर को छोटा कर लें, जितना मतलब आपको हिस्सा चाहिए इसका उतना आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें, मैं कर रहा हूँ, ये देखें, यहाँ से इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये तरीका है पिक्चर को ऐड करने का टेक्स्ट के अंदर। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, अपनी खुद की पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। वो ज़बरदस्त तरीका है। और इसके अलावा एक और ज़बरदस्त ट्रिक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरी कुछ पिक्चर है, वो ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ये है वॉलपेपर, ये है मेरी पिक्चर्स। यहाँ से हम पिक्चर्स ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, फिर 8, फिर 1, 9। ये देखो, अभी हम इसे टेक्स्ट के मुताबिक छोटा कर लेंगे, छोटा करके इसे एक एक करके ऐड कर ही जाएंगे। ये हम ले जाते हैं इधर इधर और यहाँ से, यही ठीक है, ये वाले इधर, अब हम तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर करेंगे राइट क्लिक और क्रिएट क्लिपिंग मास्क। वो सारी पिक्चर अंदर चले गई हैं, लेकिन अभी हमने सेटिंग नहीं की, तो अब हम सेटिंग करेंगे। ये देखें, एक एक पिक्चर की। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपने ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से पिक्चर उतनी ऐड कर लें।
अगर कोई पिक्चर सही ना आए तो उसे उठा के ऊपर ले जाना है। तो ये देखिए अभी सही आ रही है, ये देखो इस तरह हर टेक्स्ट में एक अलग अलग पिक्चर भी ऐड की जा सकती है। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड भी कोई अच्छा सा लगा सकते हैं। और टेक्स्ट पे भी कोई इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि इधर हम स्ट्रोक लगाते हैं, इसे स्ट्रोक लगा के इसका साइज जरा बढ़ा देते हैं। इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है, वाइट कर लें, रेड कर लें, जो जिस तरह का आपको चाहिए। लेकिन ब्लैक ज्यादा अच्छा लगता है। ये इनर शेडो जरा और प्यारा लगता है इसके साथ, बेवल कर देंगे तो क्या ही बात है। तो ये देख सकते हैं कितना जबरदस्त लग रहा है। इस तरीके से आप कोई भी पिक्चर अपने टेक्स्ट के अंदर आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं, उसे इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, ये बहुत ज़बरदस्त है ये। इसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे सिंपल, यहाँ से जीपी सेव, ओके ये सेव हो गया। और ये आ गई हमारी पिक्चर मुदस्सर के नाम से, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह आप कोई भी टेक्स्ट के अंदर पिक्चर को, एक पिक्चर हो या काफ़ी सारी हो, सबको ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोबारा मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।